हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। काफ़ी समय से वीडियो पर मैसेज आ रहे थे कि भाई PLP फाइल डालो, PLP फाइल दीजिए, इस प्रकार के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। जिस भाई को PLP फाइल के बारे में नहीं मालूम कि PLP फाइल क्या होती है, तो ये वीडियो पूरी PLP फाइल सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि PLP फाइल एक FixLab एप्लीकेशन की एक प्रोजेक्टेड फाइल होती है। PLP फाइल को FixLab एप्लीकेशन में आप ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद उसमें एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि जो फ़ोटो उनमें लगी हैं उनको रिमूव करके आप उसकी जगह पर अपनी फ़ोटो को ऐड कर सकते हो। और जिस भाई को फ़ोटो एडिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती, वो भी सिंपल स्टेप में अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकता है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से PLP फाइल मिलेगी और उसको किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो, किस प्रकार से आप FixLab एप्लीकेशन में उसको ऐड करेंगे और उसमें एडिटिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से PLP फाइल को FixLab एप्लीकेशन में ऐड करते हैं एंड उसमें एडिटिंग करते हैं। दूसरे स्टेप में आपको बताऊंगा कि आपको PLP फाइल किस प्रकार से मिलेगी और उसको किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। FixLab एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस इस प्रकार का नजर आएगा। जहाँ पर आपको राइट साइड 3 डॉट नजर आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे एंड आपको नीचे कुछ देखने को मिलेगा कि जहाँ पर लिखा है ओपन PLP फाइल, तो इस पर हमको क्लिक करना होगा। जहाँ पर आपको लेफ्ट साइड नज़र आएगा .plp, जहाँ पर हमको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोन की गैलरी में एंटर हो जाएंगे। जहाँ पर कुछ फोल्डर नज़र आएंगे, तो जिस भी फोल्डर में आपने उस PLP फाइल को रखा है, उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने डाउनलोड फोल्डर में रखा है, तो डाउनलोड फोल्डर को ओपन किया और नीचे जाएंगे जहाँ पर आपको FixLab एप्लीकेशन का फोल्डर मिलेगा, जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपको जहाँ पर दो फाइलें नज़र आएंगी जो कि PLP फाइल है, इन दोनों फाइलों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम इनमें से एक फाइल को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैंने एक फाइल को ओपन किया एंड जहाँ से हम बैक चलते हैं, तो जी हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। अगर आप चाहो तो इस फाइल को आप पूरी तरह से एडिट कर सकते हो। तो इसमें हम फोटो ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम लेयर पर जाएंगे एंड जो भी हमारी लेयर्स हैं उन सभी को हम अनलॉक कर देंगे। सभी लेयर्स को अनलॉक करने के बाद इसमें हम करेंगे अपनी फोटो ऐड। तो इसमें से हम एक फ़ोटो को क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद राइट साइड आपको एक टूल मिलेगा जहां पर आपको क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक टेक्सचर नाम का एक टूल मिलेगा जिसको आपको क्लिक करके, तो जे वाली फ़ोटो को हमको करना है डिलीट, तो हम डिलीट वाले बटन पर करेंगे क्लिक, तो जे वाली फ़ोटो है वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद हम इसमें करेंगे अपनी फ़ोटो को ऐड, तो जहाँ पर करेंगे क्लिक एंड क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी में एंटर हो जाएंगे। तो जहाँ पर आपको देखने को मिला कि हमारी जो फ़ोटो है वो चेंज हो चुकी है, इसी प्रकार से हम अपनी दूसरी फ़ोटो को भी चेंज करेंगे। तो फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, टेक्सचर पर जाएंगे, पहली फ़ोटो को डिलीट करेंगे एंड अपनी फ़ोटो को ऐड करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से दोनों फ़ोटो को अपलोड कर लेता हूँ। अब जो हमारी फाइल थी उसमें सभी फ़ोटो चेंजेस हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको PLP फाइल किस प्रकार से डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको करना होगा ओपन एंड ओपन करने के बाद आपको एक साइट का लिंक मिलेगा। तो ये हमारी ऑफिशियली वेबसाइट है, आप मुझको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आसानी से PLP फाइल को डाउनलोड कर सकते। इसी प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। हमारे चैनल पर बने रहना, आपको काफ़ी सारे फ्री में PLP फाइल मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।